नाद धनी की कृपा से जीवन का ये अलभ्य लाभ, ये सत्संग आयोजन, ये प्रोग्राम, ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, बड़े भाग्य से, बड़े भाग्य से। सरल सुलभ नहीं है सत्संग, ये जीवन सत्संग, मानव जीवन सत्संग, अनेक जन्मों के पुण्यों से ये सुलभ होता है। इसलिए इसकी महत्व का, इसके अप्रतिम जो लाभ है उसका हम रोज जीवन में उपयोग कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, है ना। ऐसे सुंदर अवसर को श्री जी कहते हैं यूं ही व्यतीत मत करो। श्री जी कहते हैं इसी मनुष्य जीवन में आत्म जागृति करो, भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा। आ जोगबाई छे जाग्या तणी अने विचार माहे समझण, जे समझो ते जाग जो, पण आ अवसर अर्धो खिण, पर आ अवसर अर्धो खिण। मनुष्य जीवन आत्म जागृति के लिए है, श्री जी कहते हैं मनुष्य जीवन किसके लिए है, आत्म जागृति के लिए। ऐसा विचार करना, श्री जी कहते हैं आप बुद्धिमान तभी बनोगे तो ऐसा विचार करोगे। वही विवेकशील प्राणी है जो विचार करता है, ये जो जीवन है आत्म जागृति के लिए। और कहा मानव जीवन आधे क्षण के लिए ही है, कितना, आधे क्षण के लिए, कभी भी पटाक बुड़ो। ये राज ग्रंथ में 51 चौपाई में चेतावनी दे रहे हैं, प्रथम प्रकरण, विवेकहीन मत बनो, बुद्धिहीन मत बनो, कहने का तात्पर्य श्री जी का। अखंड निधि तारतम ज्ञान है, इसको पकड़ लो, प्राप्त करो, इसी में खो जाओ, इसको खो मत दो। बोलो प्राणनाथ प्यारे, नहीं तो श्री जी कहते अत्यधिक हानि सहनी पड़ेगी। श्री मुखवाणी चर्चा श्रवण करो, सत्संग करो, पढ़ो, मनन करो। श्री जी कहते हैं जोई बिचारी एक बचन, जोई बिचारी एक बचन, तो अलगा थे पासे थी के, गुजराती भाषा में है, क्या कहा कि तारतम वाणी ग्रंथ, इनमें से एक ही वचन उठाओ और उसके ऊपर मनन करो, विचार करो सही ढंग से और पालन भी करो, तो कभी भी आप परमात्मा से, धनी से अलग रहोगे ही नहीं, इतने ताकतवर। दिन रात उनकी भक्ति में लगे रहोगे, दिन रात परिक्रमा करते रहोगे। श्री जी ने कहा है कीजे फेरो सुफल धन धन, इस प्रकार इस जीवन को सफल बना लो, श्री जी का कहना। ये अवसर आधे क्षण के लिए, श्री जी कहते हैं ये सुंदर अवसर को यूं ही व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। श्री जी कहते हैं सावधान हो जाओ, क्योंकि बड़े भाग्य से ऐसे अवसर हमें प्राप्त होते हैं, श्री जी ऐसा कह रहे हैं। तो साथियों यही है सत्संग का महत्व है, जितना भी सत्संग का महत्व बताया जाए कमी है। तुलसीदास जी ने कहा है, मैं गाने की कोशिश करता हूं, तात वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग। तो सत्संग का तुलसीदास जी कहते हैं जो सुख लव, यानी एक लव मात्र का सत्संग की जो सुख है उसकी तुलना कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं,
कोई बराबरी नहीं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, सत्संग का एक लव मात्र का कोई तोल मोल नहीं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। श्री जी ने भी यही कहा। प्रथम प्रकरण देखिए, रास के 54 नंबर चौपाई। जोई बिचारी एक वचन तो अलगा थे पासे थी के, दीजे प्रदक्षिणा रातन दिन, कीजे सुफल धन धन। एक ही वचन पर विचार कीजिए ना, 18,758 चौपाई नहीं, एक ही शब्द के ऊपर पालन करो, विचारो, सफल हो जाएगा जीवन। श्री जी का कहना है, कितना बड़ा लाभ है ये सत्संग, ये समागम, सत्संग भजन कीर्तन माला जप करते रहना चाहिए, लाभ है इसमें, और इसी के द्वारा जीवन सफल होता है। और मनुष्य जन्म का कर्तव्य भी यही है, यही है इन दिव्य कर्मों से। लिखा है प्रारब्ध में लिखा हुआ विपरीत समय भी सरल हो जाता है, प्रारब्ध बदल जाता है। घटना तो घटेगी किंतु हमारे प्रारब्ध में लिखी हुई जो भीषण भीषण घटनाएं हैं ना, वो सामान्य हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी, सामान्य घटना में बदल जाएगी, ऐसा लिखा है, और हमारी सुरक्षा हो जाएगी। मतलब प्राणनाथ प्यारे के ये लाभ है बहुत बड़ा, सत्संग भजन से बहुत बड़ा प्रॉफिट है। समय देने का भी आप समय दे रहे हैं ऑनलाइन घर बैठकर, तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ, आप पहले तो मैं अपने आप से विनती करता हूँ और निवेदन यही करता हूँ सभी से कि सत्संग भजन कीर्तन यानी ये जो आध्यात्मिकता को, इसको जीवन में धारण कर उतार कर हम पहले तो अपने आप को पहले सुधारें, क्या अपने आप को पहले ठीक करें, शुद्ध बनाएं, और इस कार्य के लिए विलंब न करें। श्री जी का कहना भी यही है, क्योंकि उन्होंने कहा देखत ही काल पछाड़त पल में, आयु की समय सीमा जो निर्धारित है वो तो दिन प्रतिदिन हमारी क्षीण होती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, देखते 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 अवस्था ढल रही है कि नहीं, सबका ढल रही है, ये तो जीता जागता सबका अनुभव है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, क्योंकि समय किसी का भी प्रतीक्षा नहीं करेगा, निश्चित बात, और समय ने अवसर दिया है तो हम समय का लाभ नहीं लेंगे तो ये किसका दुर्भाग्य, समय का, समय का नहीं हमारा दुर्भाग्य। और अगर हम समय का, समय पर लाभ लेते हैं सत्संग का भजन का, तो हमारा सौभाग्य है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। लेकिन अवसर चूक जाने पर हाथ मलते रहना पड़ेगा, कुछ हाथ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होता। इसीलिए श्री जी ने कहा है प्रथम प्रकरण रास 69, गए अवसर सू थाए पछे, धन गए हाथ सहू घसे, माहे हाण बाहर सहू हसे, ते तो तेता माहे ने माहे रड़ से, तेता माहे ने माहे रड़ से। अवसर चुक जाने पर ये गति, ये दशा क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, क्या होता है, हाथ से धन निकल जाए, कोई धनिक व्यक्ति का धन हाथ से निकल जाए तो क्या करते हैं, वो ऐसे मलते हैं, अरे सब कुछ चला गया करते हैं, यही होता है समय चुकने पर। श्री जी कहते हैं समय चुकने पर यही हालत, हानि घाटा यही सहनी पड़ेगी, मन ही मन रोना पड़ेगा। इसलिए श्री जी कहते हैं सत्संग भजन ये सब अमृतमय तत्व है, अमृतमय श्रीमुख वाणी अमृतमय रस है, तो इसको पीना छोड़कर माया रूपी विषय रस को पान कर रहे हैं। श्री जी कहते हैं त्याग करो ये सब, असत असत को त्याग करो,
आसक्ति को त्याग करो। सरलता से प्राप्त धनी के जो सुख प्राप्त हुए सरलता से उनका अनुभव करने लग जाओ। बोलो प्राणनाथ प्यारे के, तभी आपके सारे कार्य सराहने चढ़े सिद्ध हो जाएंगे, नहीं तो फिर एक भी काम नहीं होगा। वो श्री जी कहते कारज कोई न सिद्धि। तो सत्य का संग धनी जी का, धनी जी के चरणों की कृपा द्वारा इस संसार रूपी जो भ्रम है इसको त्याग करो। श्री जी कहते हैं ये रस पियो, मूल में स्थित हो जाओ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसी तरह संसार में पड़े रहेंगे श्री जी कहते हैं तो काम कैसे चलेगा। नौकरी वाले सुबह सुबह से लेकर शाम तक सोते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा। परमधाम जाने वाले सोते रहेंगे अज्ञान में तो काम कैसे चलेगा। द्वितीय प्रकरण रास दो नंबर चौपाई। भरम निंद्रा जे करे काई तेहनो ते मोटू अभाग। भरम निंद्रा जे करे काई तेहनो ते मोटू अभाग, काई तेहनो मोटू अभाग। जो इस प्रकार मायावी चीजों में डूबे रहते हैं, नींद में डूबे रहते हैं, अज्ञान में सावधान नहीं होते, अचेत पड़े रहते हैं माया में, माया को छोड़कर वो धनी को देखते भी नहीं। जो लोग सत्कर्म करते नहीं, जो भ्रम का पट दूर करते नहीं, जो अज्ञान अंधकार को भीतर से हटाते नहीं, जो इस अमूल्य अवसर को पहचानते नहीं, जो इस अमूल्य समय को बर्बाद करते हैं, लाभ नहीं लेते, विलंब करते हैं, जो इस दुष्ट माया को छोड़ते नहीं पकड़ के बैठे हैं, जो धनी के साथ प्रेम नहीं करते, जो कोड़ी के समान तुच्छ माया को छोड़ना नहीं चाहते, इस अखंड तारतम ज्ञान अमूल्य रत्न है इसको अपनाते नहीं, जो अज्ञान रूपी निंद्रा के बस में पड़कर दिन आए दिन व्यतीत कर रहे हैं, जीवन निरर्थक जी रहे हैं, जो अपने आप को संभाल नहीं रहे, बुद्धि मंद हो गई है, उसको बदलते नहीं है, इस दुर्लभ श्रेष्ठ मानव जीवन मिला है इसका सदुपयोग नहीं करते, जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तारतम ज्ञान इसको पहचानते नहीं है, और धनी के चरण कमलों को त्याग कर बैठे हैं, और इस दुखपूर्ण संसार में सुख तलाश रहे हैं, भौतिक सुखों में, दुखों में सुख, क्षण भंगुर भौतिक चीजों में सुख तलाश रहे हैं, श्रद्धा विश्वास भाव जीवन में स्थान, जीवन में इनका स्थान ही नहीं है। तो श्री जी कहते हैं काई तेहनो ते मोटू अभागा, उससे बड़ा दुर्भाग्य अभागा व्यक्ति कोई नहीं, क्योंकि तीसरा चौपाई में कहा द्वितीय प्रकरण आ जोगवाई छे आपणी नहीं आवे बीजी बार। बीजी बार दूसरी बार जोगबाई शरीर नहीं आवे, नहीं आएगा। हाथ ताली दीधे जाए छे, हाँ हाथ ताली दीधे जाए छे, और कहा भूंडा कान करे हजीत सा। ये मानव शरीर दूसरी बार प्राप्त नहीं होता है ना, एक एक श्वास के द्वारा, श्वास के श्वासों श्वास से बीता जा रहा है। देखिए श्री जी कहते हैं दुष्टो सावधान हो जाओ, भुंडा जीव जाग जाओ, अभी सावधान नहीं होगे तो कभी भी सावधान नहीं हो पाओगे। मानव शरीर जो है ये आत्म जागृति के लिए ही हुआ है प्राप्त, अभी तो पता चल गया ना हमारा दुर्भाग्य किस में है, हमारा अहोभाग्य किस में, पता चला। अब लग जाइए मंडी पड़ो, हमारे धामधनी कितने दयालु हैं, हैं? इस झूठे संसार के झूठे सपनवत शरीर में हम सबको ये सच्चा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, सदा सर्वदा दे रहे हैं। श्री जी कहते हैं वाणी में प्रथम प्रकरण रास ग्रंथ 48वां चौपाई देख लीजिए। नित प्रते सहु साथने बालो जी दिए छे ये सार। प्रत्येक दिन हम सबको धनी जी क्या दे रहे,
दया कर रहे हैं, कृपा दृष्टि देख देख सब कुछ ऊपर से कर रहे हैं, और ये सार गर्भित ज्ञान प्रस्तुत कर दिया हमारे सामने, लेकिन हमने अभी तक इसको खोला ही नहीं। ये बंद के बंदा है, इसको खोला ही नहीं। इसमें विभिन्न प्रकार से दृष्टांत देकर धनी समझा रहे हैं, साक्षियां देकर समझा रहे हैं। ये तारतम ज्ञान रूपी अखंड निधि जो है, पाकर के भी हम गरीब हैं, कोई विचार ही नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं श्री जी पहचानो, ये साक्षात दाम धनी स्वरूप है, इसी तो घर में रखकर आरती उतारते हैं इनकी, सुबह शाम आरती उतारे। हवे ये धनी केम मुकिए, ऐसे धाम धनी को हम कैसे छोड़ सकते हैं। धाम धनी को बड़ी बड़ी करो विचार, मन से विचार कीजिए। मूलभूत चेतन करी धनी ओलखो आवार, इसी में सूक्ष्म रूप में बैठे हैं धाम धनी, पहचान कीजिए। मूल बुद्धि जागृत होगी तभी पहचान होगी, श्री जी कहते हैं। और कहा न कहवाए महा माया माहे आवाणी, तारतम सागर में जो कुछ भी तत्व है इस जगत में, इस तत्व को प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, क्योंकि सुंदर साथ आए इसीलिए लाए हैं, इसीलिए कह दी गई, इसीलिए तो हमको धारण करना है। सात माटे कहवाणी, क्यों? क्योंकि साथा उसे रुदयाणी, इसको ग्रहण करेंगे, एक एक चौपाई को, एक एक लीला को विश्वास करेंगे, श्रद्धा विश्वास उसको धारण करेंगे। ये संसार के लिए नहीं, ब्रह्म सृष्टियों के लिए है, हैं? तो सदगुरु के वचन, ये गहन वचन, महत्वपूर्ण वचन है, धाम के सभी सखियों के लिए, धाम की सखियां यहां आई हुई है उनके लिए, उनके लिए से मीठे मीठे तारतम वचन दिए गए। और श्री जी हम सब सखियों को जगा रहे हैं, विषय वासना में हम सखियां डूबी हुई हैं, और श्रीराज जी यही चाहते हैं कि हम निकलें इस वाणी को पढ़ के, और धनी चाहते हैं सभी धनी की तरफ लगें, सभी आत्म जागृत कर, इसीलिए ये उपदेश दिया, बोलो प्राणनाथ प्यारे के। तो धनी की इस दया को हमें अपने जीवन में धारण करना है, दयालु धनी, दया में ही जीना है और दया में ही मरना है। सुंदर साजी संसार की दया में जी रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, और जहां धनी की दया है ना, वहीं सर्व सुख परिपूर्ण हो जाता है, बोलो प्राणनाथ प्यारे के। और ये मनुष्य जीवन क्या है, धनी की दया नहीं है, किनकी दया से मिली? तो दया के अधिकारी बने, आंखें बंद करके चलेंगे तो कैसे होगा? जैसे सूर्य के प्रकाश में हम आंखें बंद कर देंगे चलते समय, तो चल पाएंगे, गिर जाएंगे लड़खड़ा के, इसी प्रकार धाम धनी की भरपूर दया बरस रही है 18,758 चौपाई, तो आंखें बंद करके चल रहे हैं तो इसके अधिकारी कब बनेंगे फिर? दया का पात्र कैसे बन पाएंगे बोलिए? तो दया का अनुभव करने के लिए आंख खोलनी पड़ेगी, अगर आंखें बंद रहेगी तो मनुष्य योनि से गिर जाएंगे। तो असल में हम उस दया के भंडार के अधिकारी है ही ऑलरेडी। छत्रसाल भजो धाम धनी को और देवन सो क्या चाहिए। श्री जी छत्रसाल जी कहते हैं उस भंडार के अधिकारी हुए ना छत्रसाल जी, दयालु दाता के हम सभी सखियां, और फिर क्या चाहिए? जड़ से, पत्थर से, देवी देवताओं से, पानी से, वायु से, आकाश से, दूसरे लोगों से क्या चाहिए? क्षुद्र विषयों से, विषय वासना से, इनकी मांग से क्या चाहिए? श्री छत्रसाल जी कहते हैं और देवंशो यानी त्रिगुणमय माया से क्या चाहिए? ये सब तो आत्मा के लिए यातना का कारण बन जाते हैं। अब धनी की दया का तो कोई पार नहीं, आदि अंत है नहीं, वहां डूबना नहीं है हमको। तो उनकी दया को श्री जी कहते हैं देखें, दयानु नवलाधे पार, दयानु नवलाधे पार। श्री जी ने देखा, कहा
कि दया का तो मैंने पार ही नहीं पाया। और सागर जो मेहर का सो शोभा लहरे आवे मेहर सागर, लहरे के बाद लहरे मेहर लहर मेहर आते हैं। अगर दिखाई दिया तो मायावी संसार से छूट गया समझो, छल छुट्टियों ने थयो करा। श्री जी स्वयं कहते बलि गतमत आवी सुदसार, गति मल बल बुद्धि मेरी सब मुझे वापस मिल गई। श्री जी कहते हैं दया के कारण, उनकी दया के कारण। दया को देखने मात्र से श्री जी कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष ये खट रिपु शत्रु सब नष्ट हो गए और मैं मुक्त हो गया माया से, मुझे शांत आनंद का अनुभव होने लगा। श्री जी का कहना है, अनुभव कह रहे हैं, मैं अखंड ब्रजरास सबको यहीं बैठे बैठे देखने लगा, अनुभव करने लगा। इसीलिए कहते हैं हवे ते हूं करूं प्रकाशी, दया के कारण मैंने सब कुछ पा लिया। इसीलिए सुंदर साथ जी ये 18758 उसी की अभिव्यक्ति है, बोलो प्राणनाथ प्यारे की। श्री जी स्वयं कहते मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, ये मेरी मेरी क्षमता की बात ही नहीं है, तारतम ज्ञान प्रकट करना धनी की दया है। तो हम भी इस वास्तविकता को समझें, हृदय से स्वीकार करें। मल्यो धनी मुने धामनो सुफल करूं अवतार, मानव जीवन सफल बनाए, धनी मिले हैं, धनी की दया की ओर देखें, बस क्या मिलेगा, विवेक ज्ञान ये सब मिलेगा, लायक बन जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे। संसार तो कठोर है, संसार ने कभी दया की नहीं की, विषय वास्ता तो कभी दया करती ही नहीं, जड़ है। तो धनी की उस असीम दया की ओर देखें, उसका अनुभव करें, श्री जी ये कहते हैं। क्योंकि मानव जन्म मिला है, हम किसी दूसरे योनि में नहीं हैं, हमारी हृदय की आंखें हैं, विवेक है, हमको विवेक दी गई है, हमारे बाहरी आंख भी फूटी हुई नहीं, अंधे नहीं हैं। अंधे लोग सूरदास वगैरह उनकी आंखें बाहर की नहीं होती, हृदय की होती है, वो भीतर से सोचते समझते हैं देखते हैं। हम तो ना अंधे हैं और न ही भीतर से ही अविवेकी हैं, असमर्थ ऐसे विचार नहीं करने वाले न सकने वाले, तो फिर कैसे सत्संग को इस परम धन को हम खो बैठे, बताइए कैसे अवसर को चूक रहे हैं हम। इसीलिए श्री जी ने कहा कदाच विवेक और विचार रूपी नेत्र फूट गए होंगे या अथवा तो नहीं खुले होंगे। अंध एवा थया, अंध अमे एवा थया निगमी बैठा निध, और हम तो पशु भी नहीं है, अंधे भी नहीं है, अविवेकी भी नहीं है, तो हाथ से धन कैसे निकल गया। तो श्री जी कहते हैं कदाच अंदर की आंखें फूट गई होगी, बाहर की फूट गई होगी, नहीं तो फिर दया का अनुभव होनी चाहिए आपको, पशु भी नहीं है आप, पशु की तरह तो नहीं बन गए। अच्छा किसी भी पशु को ले लो, उसके सामने हीरा रख दो, कोई भी रत्न रख दो, सोने रख दो, कोई भी कीमती धातु रख दो, सामान रख दो, और उनसे पूछो पशु भाई इन नंगों की कीमत बताओ, सोने की रत्नों की आप कीमत बताओ, बता पाएगा पशु, वो धातुओं की कीमत नहीं बता पाएगा, नहीं जानता है वो, कैसे बताएगा, वो न समझ सकता है न जान सकता है चीजों को न पहचान सकता। हम तो मनुष्य है, पशु नहीं है, समझ सकते हैं सामने क्या है, हम तो समझने की कोशिश भी कर सकते हैं, इसलिए तो मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है। मननात मनुष्य, इस मनुष्य को मनुष्य मन के द्वारा कोई भी एक मुद्दा के ऊपर टॉपिक के ऊपर घंटों तक बैठकर मनन कर सकता है, मननात मनुष्य। और परमात्मा ने इस शरीर के अंदर बुद्धि डाली है, सभी प्राणियों में बुद्धि तो है लेकिन अल्प मात्रा में है, मनुष्य को जो बुद्धि मिली हुई वो अमाप है, अनलिमिटेड बुद्धि है मनुष्य को, इसलिए हम मनुष्य, इसलिए हम श्रेष्ठ है। तो इस आत्मा को हम इसका ठिकाना नहीं लगा सकते, अपने ठिकाने के साथ नहीं जोड़ सकते, इस आत्मा को हम अथवा इस आत्मा को हम उद्धार नहीं कर सकते। जाना तो सबको एक दिन पड़ेगा लेकिन कैसे जीना, कैसे
ये शरीर तो श्मशान में जलकर एक दिन भस्मीभूत हो जाएगा, उसके पहले सत्संग रूपी आग में जलकर पापों को जलाएं, दुर्गुणों को जलाएं, ये श्री जी कहते हैं कर रहे हैं। सत्संग दिया 18758 सौ, हम बिगड़ ना जाए इसके लिए। धनी अमारो अक्षरातीत अमे तोहे न समझा पतित, हम अक्षरातीत के बासी। धाम धनी अक्षरातीत श्री कृष्ण, धाम धनी हम श्री कृष्ण हमारे आत्मा के मालिक, हम फिर इतने पतित कैसे हो गए? हमने समझ नहीं पाया, समझ ही नहीं पाए। अब परम धाम में जाओगे, जाना तो पड़ेगा ही, तो वहां राज्य के समक्ष सुंदर सचे आगे कैसे मस्तक ऊंचा करोगे? रोना पड़ेगा, माया में फंसे हो, परम धाम में जाकर पश्चाताप करनी पड़ेगी। तो माया भी बुद्धि से कल्याण नहीं होने वाली, दया का अनुभव नहीं होने वाला, यह समझना है। तो ये देव दुर्लभ मानव जीवन जो हमको मिला है, ये अनमोल है, अनमोल। तो सांसारिक तुच्छ विषय वासना में इसे जो बर्बाद कर देते हैं, उसका कल्याण नहीं होता। संसार का, परिवार का बोझ सिर पर लादे फिर रहे हैं कई लोग। मेरी मेरी करत दुनी जात है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, दिन बिता रहे ऐसे। कितने दिन इस तरह करो, कितने दिन जियोगे? क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, बताइए? पूछते हैं साधु संत। अरे इस चमड़े की दृष्टि को जल्दी सफल करो, अंग उपांगों को, दया को देखो, दया को, धनी को देखो। देव दुर्लभ मानव जीवन उन्होंने दिया है, उनको ही नहीं देख रहे हैं। देवता समेत कहा है कि इस जीवन को पाने के लिए तरसते हैं। तो प्यारे सुंदर सा जी, ये ऊपर जाने के लिए मिला हुआ है, न कि नीचे जाने के लिए। तो सत्संग के द्वारा, समागम करके, सेवा भाव के द्वारा, प्रेमा भक्ति के द्वारा, सात्विक खान पान के द्वारा, अखाद्य भोजन को त्याग करके, अखाद्य वस्तुओं का, व्यक्तियों का त्याग करके, तप तप बल से, कसनी से, साधना से हमें इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना, तपाना है, तपाना है, गुण अंग इंद्रियों को तपाना है। सदगुरु ने तपाया नहीं, नहीं तपाएंगे तो इस क्षणिक क्षणिक सुख दुखों में ही घूमते रहेंगे, ऊपर नहीं उठ पाएंगे। फिर अखंड आत्मा का आनंद, परमधाम का आनंद दूर की बात है। अच्छा, दाल चावल रोटी ये सब हम खाते हैं, तो हर पदार्थ को पहले क्या करके आग में पकाना पड़ता है, तभी खाया जाता है, लायक होता है। भोजन पका लेते हैं तभी खाने लायक बनते हैं। तो इसी प्रकार ये शरीर को भी तपा लेते हैं ना, जब कसनी के द्वारा, तप के द्वारा, तो ये आनंद के अधिकारी बन जाता है, दया के अधिकारी बन जाता है, परमात्मा के अधिकारी। तो विलंब नहीं करना, अभी बैठने का समय नहीं है, श्री जी कहते हैं। श्री जी ने कहा आप चतुर हो, समझदार हो, समझ जाओ संसार रूपी इस भवसागर में क्यों बैठे हो, तिलस्मी माया में डूबे हो। उठो, खड़े हो जाओ और अपने लक्ष्य के लिए आगे कदम बढ़ाओ, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, मुझे दोष मत देना। अति दुर्लभ मानव जीवन है, समझ लो। श्री जी कहते हैं इस अनमोल रत्न को छोड़कर माया रूपी कांच को बटोर रहे हो भाई, इसमें इसके लिए समय बर्बाद मत करो। श्री जी ने कहा ये धन दौलत संसार, ये शरीर दौलत, इन सब का अभिमान भी छोड़ दो, शून्य हो जाओ धनी के चरणों में। श्री जी कहते हैं ये मेरापन, ये अहंकार, ये सुख दुख, ये माया ममता, इससे रहित होकर जीना सीखो। क्यों? क्योंकि ये सब अज्ञान है, अंधकार है। कितनी बार कहा, प्रकाश थोड़ी है ये, अंधकार है। प्रकाश तो ये है तारतम ज्ञान, धनी जी के चरण, नूरी चरण, वो जो प्रेम लक्षणा भक्ति इश्क ईमान, इसके तरफ जाओ, नहीं तो फिर 84 के दुख में पड़ोगे। अरे उस उन्हीं दुखों में तपते 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 ये मान मान मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, अनेक बार तरफड़ी मरी ने दुख देखी आई वावा। तो देवचंद्र जी महाराज की तरह इतने जप तप साधन कसनी देखिए, तपास कीजिए जीवनी। फिर धनी देवचंद्र जी के सामने अक्षरातीत धनी का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसे ही तो नहीं हुआ।
को साधना अपनाना है, हृदय को शुद्ध बनाना है और धनी को इस हृदय में धारण करना है। क्योंकि श्री जी ने बताया, आ जोगबाई छे जाग्या तणी नहीं आवे बीजीवा। धाम धनी प्राप्ति के लिए 6 फुट का शरीर साधन मिला हुआ है, तन मिला हुआ है। तो कोई भी वस्तु प्राप्त करना है तो साधन की जरूरत पड़ती है। तो धनी प्राप्त करने के लिए शरीर, साधन के बिना तो धनी हासिल नहीं होंगे शरीर के बिना। तो अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी साधन को हमें इस शरीर रूपी साधन के साथ जोड़ देना है और निज धाम की साधना में जुड़ जाना, तभी हम आवागमन से छूट पाएंगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं। धनी की चरण कमलों का सहारा, चरण शरण, तरतम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा पूर्ण रूप से मार्फती ज्ञान प्राप्त कर उनको जानना, उनके चरणों में आत्मसमर्पण करना, धनी में एकाकार होना, यही हमारा काम है। सब कुछ मिटाना, धनी में हो जाना है, सब कुछ मिटाना, यही सफल जीवन है, यही सुंदर जीवन है। आ जोगबाई छे जाग्या तणी अने विचार माहे समझा, जे समझो ते जागजो आ समय अर्धो क्षण। तो संसार सागर तरने का ये जीवन, ये शरीर एक नाव है, विशाल भव सागर सरसड़ा पहले पार उतरी जैसे। हमारे ये जो माया ममता में हम फंसे हुए हैं, ये मूर्ता है, देह भाव है। तो प्रेम लक्षणा भक्ति अनन्य भाव तारतम ब्रह्म ज्ञान के द्वारा धनी को जान लिया जाए तो हम जग सकते हैं। ये जीवन आधे क्षण के लिए है, जल्दी करो। किसी ने सुंदर कहा, प्रभु सुमिरन बिना दिन जाए रहे है? कितना सुंदर, ए जी जाए रहे नित धाए रहे। और कहा, बालपन खेलन में खोया, किसमें? खेलन में। और जोवन, जोवन काम लुभाए रहे, जोवन आया तो काम वासना पड़े गए। और फिर वृद्ध पड़े में शिथिल भयो तन, फिर तो नाना रोग सताए रहे, है ना, ऐसा ही होता है ना। जप तप दान योग नहीं किन्हो, जप तप दान योग दान न किन्हो, फिर क्या, बिरथा जन्म गवाए रहे। ब्रह्मानंद भजन बिन प्रभु के, ब्रह्मानंद ने लिखा है, भव सागर भटकाए रहे, भव सागर भटकाए रहे।